जोशीमठ की तरह धस रहा है शिमला। जोशीमठ में जो हुआ वो तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ये तो अंत की शुरुआत है। धीरे धीरे करके ना जाने ऐसी कितनी खबरें आएंगी जिसके मात्र जिम्मेदार होंगे हम इंसान। अब शिमला में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन सभी मुद्दों पर हम आज करेंगे बात। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपना YouTube चैनल हिमाचली ब्लॉग करण ठाकुर में। तो आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा देखें और एंड तक देखें। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर दोस्तों आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं चलो आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की मेरी और अपडेट आप तक पहुँचती रहे। शिमला दोस्तों, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला को सिर्फ 25,000 लोगों के रहने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज शिमला में 2,00,000 से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं और इसे बदतर बनाने के लिए स्लोप्स बनाएगी, 70 डिग्री तक स्लोप्स बनाएगी। जबकि शिमला सेस्मिक जोन 5 में आता है। सेस्मिक जोन 5 का मतलब होता है जहाँ पर भूकंप की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, जिसका यह नतीजा निकला है कि शिमला आज अपने ही भार से धसने के कगार पर आ चुका है। हिस्टोरिकल रिज, ग्रैंड होटल, लक्कर बाजार और लद्दाखी मोहल्ला पुराने शिमला के कोर का 25% से ज़्यादा सिंकिंग जोन में आता है। अब शिमला के धसने की कोई एक वजह नहीं है, सबसे पहले वजह जो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली वजह है कंस्ट्रक्शन, दूसरा है सॉइल इरोशंस, तीसरा है ओवर पॉपुलेशंस और चौथा है डिफॉरेस्टेशंस और 5 है कटिंग ऑफ फ्लूप्स। शिमला का पॉपुलेशंस 1978 में 55,368 के करीब था। अब जो 2011 में आखिरी गिनती हुई थी जो 2.30 लाख के आसपास थी। शिमला को अंग्रेजों ने 25,000 लोगों को रहने के लिए बनाया था। बेस्ट हिमालयन में मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी शिमला ही है, जिसकी आइडेंटिटी हाई है और अब जाहिर सी बात है कि यह जगह घूमने वाली है। टूरिज्म से पैसा कमाने के लिए धीरे धीरे लोग यहां पर बसना शुरू हो गए, जिसके कारण अब शिमला की कैपेसिटी पूरी हो गई है। पिछले 2 दशकों में यहां पर भारी कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं, जिसके कारण धरती अंदर से खोखली होती जा रही है। कंस्ट्रक्शन के कारण डिफॉरेस्टेशन भी होता है, जिसका मतलब है पेड़ों की कटाई, पेड़ों को काटा जा रहा है ताकि वहां पर कंस्ट्रक्शन किया जा सके। और इसके अलावा सॉइल इरोशन होता है। सॉइल इरोशन का मतलब है मिट्टी की ऊपरी सतह खराब होना या फिर हट जाना। कंस्ट्रक्शन के द्वारा ये सब होता है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोशन, भूकंप से पहाड़ खोखले हो रहे हैं, जिसके चलते लैंडस्लाइड होने का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। पहली चेतावनी 2000 में दी गई थी, जब लोगों ने रिज पर दरार देखी थी। ब्रिटिश काल से 10,00,000 गैलन पानी को जलशेख को कवर करने के लिए रिज की मरम्मत की गई। इसे ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन यानी NGT 2017 में शिमला में सभी कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया था। इसके बावजूद भी हिमाचल सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने काम पर मशरूफ रही। अब शिमला अपनी टिपिंग पॉइंट को पार कर चुका है। शिमला अब कमजोर घुटने वाली, अधिक वजन वाली व्यक्ति की तरह है, जो अपनी अधिक आबादी वाला है, जो अपने ही पैरों पर खुद डगमगा रहा है। लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक का खतरा यहाँ पर सबसे ज्यादा है। एक छोटी सी नेचुरल या मैन मेड डिस्टर्बेंस इस शहर को दसा सकती है। अगर रिच नीचे चला गया तो जमा लाखों गैलन पानी फ्लड हो जाएगा। फिलहाल जोशीमठ में जो हुआ वो भी हैवी कंस्ट्रक्शन के कारण हुआ। जितने भी टूरिज्म वाले इलाके हैं और टूरिज्म प्लेस है, वहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा किए गए थे और हो रहे हैं, जिसके कारण आज ये आपदा आ पड़ी है और ज़मीन अंदर से खोखली हो रही है और लैंडस्लाइड, अर्थक्विक और फ्लड का जैसा खतरा आज बना हुआ है। जोशीमठ में जो हुआ वो हैवी कंस्ट्रक्शन के कारण हुआ, जिसके चलते आज वहाँ के लोग बहुत मुसीबत में है और उनको वो आफत झेलनी पड़ रही है। दोस्तों,
हैवी कंस्ट्रक्शंस और हैवी पॉपुलेशंस, मुझे नहीं लगता है कि ये सब थमने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है, ना जाने आगे कितनी ऐसी और खबरें आएंगी हमारे सामने। तो ये अभी विनाश का जो तांडा पे शुरू हो चुका है, जो अभी हाल ही में जोशीमठ में आजकल चला है गाइस, वहाँ के लोग अपने घर खेत खलिहान और जगहों को छोड़ के सभी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं और वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो भगवान ऐसा ना करे, ऐसी आपदा किसी पर भी ना आए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की मेरी और अपडेट आप तक पहुँचती रहे। गाइस अब दोस्तों मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर रंगबली, नमस्कार।